नमस्कारम। एक प्रश्न है, गुरुजी पाप कर्मों से कैसे मुक्ति मिले? पाप कर्मों से मुक्ति कैसे मिले, ऐसा प्रश्न ही आपने क्यों पूछा? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पाप कर्म किया है? कैसे पता आपको कि आपने कोई पाप कर्म किया है? और पाप कर्मों से मुक्ति मिलने का मतलब है इस कर्म को छोड़कर कोई दूसरे कर्म के बंधन में पड़ जाना। पाप कर्मों से मुक्ति मिलने का साधारण उपाय है पुण्य कर्म करें। पाप कर्म के विपरीत, बुरा कर्म के विपरीत पुण्य कर्म है, तो पुण्य कर्म करें। जैसे आपके शरीर में कोई बीमारी हुई है और उस बीमारी का इलाज करवाइए और उसका दवा खाएंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार आपको ऐसा लग रहा है कि आप बुरा कर्म में फंसे हुए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो पुण्य कर्म करें। पुण्य कर्म करना है, उसके विपरीत। मैं तो कहता हूं कि आपको पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों कर्मों से मुक्त होना है। दोनों प्रकार के कर्म ही बंधन है, पाप कर्म और पुण्य कर्म, ये दोनों भोग कर्म है। पाप कर्मों को भी भोगना पड़ेगा और पुण्य कर्मों को भी भोगना पड़ेगा, यानी कि दोनों ही बंधन है। इन दोनों बंधनों से कैसे मुक्ति मिले, ये चिंतन मनन अच्छा है। क्योंकि पुण्य कर्म भी करेंगे तो भी आपके चित्त में प्रारब्ध रूप में पुण्य कर्मों को भोगने के लिए संस्कार बन जाएगा, और पाप कर्म करेंगे तो भी आपके चित्त में आपके कर्म संस्कार रूप में संग्रहित हो जाएंगे, आपके प्रारब्ध बन जाएगा ताकि वो भविष्य में मिले। और जिस मनुष्य का चित्त पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ होता है, उसके कर्म संस्कार रूप में उसके अंतःकरण में संग्रहित यानी कि एकत्रित रहते हैं, और उन कर्मों में से जिस कर्म का फल जैसा होने वाला होता है वैसी ही वासनाएं प्रकट हो जाती है उसके अंदर। सारे कर्म संस्कार रूप में आपके चित्त में संग्रहित रहता है प्रारब्ध के रूप में, जो कि आने वाला समय में वैसी परिस्थिति आपके लिए आएगी जब जिस कर्म का फल भोगने के लिए समय आ जाएगा, उसी प्रकार का परिस्थिति आपके जीवन में आ जाएगी, वासनाएं प्रकट हो जाएगी और आपको वो कर्म का फल वैसे ही भोगवा देगा। वो यही है प्रकृति का अति सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवस्थाएं। तो सारे कर्मों का प्रारब्ध जो है वो आपको चित्त में, आपके चित्त में संस्कार रूप में रहता है जी, बीज रूप में। समय आते ही अंकुरित होगा यानी कि वासनाएं प्रकट हो जाएगा, जिस कर्म का जिस समय जैसा फल भोग कराने के लिए होगा वैसा ही वासनाएं प्रकट हो जाएगी और वह कर्म का फल मिल जाएगा आपको। इसलिए पाप कर्म पुण्य कर्म इन दोनों कर्मों से मुक्त होना है, यानी कि आपका प्रारब्ध को ही नाश करना है, यानी कि पूरे चित्त में पड़ी हुई जो संस्कार है उसको ही निर्वीज कर देना है, दग्ध कर देना है। पूरे चित्त में सारे जो कर्म है संस्कार रूप में उसे ही जला देना है, जले हुए बीज के सदृश हो जाना चाहिए, क्योंकि जला हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता है। जब वो सारे
कर्म संस्कार रूप में आपके चित्त में जो पड़े हुए हैं, जिसे आप प्रारब्ध समझ सकते हैं, जब वो खत्म हो जाता है तो आप मुक्त होते हैं। आकाश के भांति अनछुआ और असीम शुद्ध परम चैतन्य स्वरूप, अविनाशी, अभिकारी, अकल्पनीय, अचिंत्य, उस परम शुद्ध चेतना को प्राप्त होते हैं जो कि आपका स्वरूप है। इसीलिए मैं अच्छा कर्म करूं, बुरा कर्म ना करूं, ये दोनों ही बंधन है। तो अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इन दोनों कर्मों से आपको ऊपर उठना है, यानी कि शुद्ध अशुद्ध, अच्छा बुरा, इन सब से ऊपर उठना है, इन दोनों को छोड़ना है और ऊपर उठ के अपने चित्त की शुद्धिकरण करना है। आपके चित्त में जो संस्कार पड़े हुए हैं उसको पूरी तरह से जलाकर भस्म करना है। कैसे भस्म करेंगे? साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, जप तप, सत्संग, नृत्य, स्वाध्याय, गुरु के प्रवचनों के सुनकर, श्रवण कर, गुरुओं के आशीर्वाद लेकर, चाहे पूजा पाठ के माध्यम से, किसी भी तरह से अपने चित्त को आपको शुद्ध करना है। आज तक पृथ्वी पर जितने सारे नीति नियम, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बनाई गई है, वो सारे आपके चित्त को शुद्ध करने के लिए बनाई गई है, ताकि आपका चित्त शुद्ध हो, आपके चित्त की प्यूरिफिकेशन हो। और जैसे प्यूरिफिकेशन होते होते जब आप सात्विक चित्त अपने अंदर में विकसित कर लेंगे, तो उस सात्विक चित्त से आगे की ओर छलांग मुक्ति की ओर होगी, और अंत में वो सात्विक चित्त का भी नाश हो जाता है, क्योंकि वो सात्विक ज्ञान और चित्त भी बंधन है। तो ज्ञान भी बंधन होता है, सात्विक बुद्धि विचार ज्ञान, ये भी बंधन है। बंधन क्या नहीं है? जहाँ कुछ नहीं है वहीं बंधन नहीं है। जब तक कुछ है तब तक बंधन है, जब कुछ नहीं है तो बंधन नहीं है। तो पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों कर्मों से आपको मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। आपको ऐसी साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कुछ भी कीजिए आप, लेकिन सोच समझ कर ऐसे मार्ग में चले जिससे आपकी चित्त की शुद्धिकरण हो और अंत में आपको आत्मा का बोध हो, स्व का बोध हो, संबोधि की प्राप्ति हो, उपलब्ध हो, श्रेष्ठकर की प्राप्ति हो, आप मुक्त हो जाए। जब मुक्त हो जाते हैं तो कोई माया भी नहीं रहती है। जब तक बंधन है, जब तक बुद्धि है, तब तक माया है। जब सत्य प्रकट होता है तो माया और अहंकार भी नहीं बचता है। उस व्यक्ति के लिए, उस परम पुरुष के लिए माया भी नहीं है, अहंकार भी नहीं रहता है, सब खत्म हो जाता है, सब एक महाशून्य की भांति होता है, अनंत स्वरूप होता है। यही आपका स्वरूप है। इसलिए पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए जितना हो सके ध्यान करें, प्राणायाम करें, सत्संग सुने, मंदिरों में जाए, अध्यात्म के राह पर आकर
हो सके तो जीवों का कल्याण करे, सेवा करे, गुरु के सानिध्य में रहने का कोई चांस मिल रहा है तो वहां पे रहे, जल्दी से आपके चित्त की शुद्धिकरण होगी। क्योंकि जब गुरु के पास होते हैं तो आपका मन जो है गुरु के नियंत्रण में आ जाता है, और निरंतर जब गुरु की दृष्टि आप पे पड़ती है तो आपकी चित्त की शुद्धिकरण बहुत जल्दी हो जाती है। भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि तुम कोई प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, वो सत्य को देखा है और तुम्हें भी वो वहाँ तक लेके जा सकता है। इसलिए आपके आसपास कहीं भी ऐसा प्रामाणिक गुरु है तो उनके चरणों में जाए, उनको सुने, समझे, पढ़े, धीरे धीरे चित्त की शुद्धिकरण होती चली जाएगी। चित्त की शुद्धिकरण यानी कि पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों कर्म, इन दोनों प्रकार के संस्कार जो आपके चित्त में है, जो फल भोग करवाने वाले हैं भविष्य में, वो धीरे धीरे नाश होते चले जाएंगे। तो ध्यान और सत्संग और साधु पुरुषों का संग एक अग्नि साबित होगी आपके लिए, जो कि आपके चित्त का नाश करेगी जी। ठीक है।